गुड मॉर्निंग गाइस, मॉर्निंग के करीब करीब 7:30 बज चुके। आज है डे टू इन जोधपुर और मामोसा जो है आज मामीसा की खुल के तारीफ कर रहे हैं। मामीसा तैयार हुए आज मैगी, तो यहाँ पे मैगी बन चुकी है। मैगी के साथ में जो है बीकानेर भुजिया है। तो और ये भाई साहब चांदी के कप में चाय पिलाई जा रही है। मिर्ची बड़े, आलू पापड़ी, बिल्कुल, और रसमलाई है। बिल्कुल, आप जोधपुर आए और यहाँ का मिर्ची बड़ा न खाए तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता। और यहाँ पे फिलहाल जो है समोसे बन रहे हैं ना भैया। गुड मॉर्निंग गाइस, मॉर्निंग के करीब करीब 7:30 बज चुके। आज है डे टू इन जोधपुर और हम लोग अभी जल्दी उठे आज रात को। हालांकि सोए भी लेट थे, रात को 2 बजे सोए थे, क्योंकि हमारा जो चीज ज्वेलर्स है उसका जो 2 साल पूरा कंप्लीट हो चुका है। तो हमारे जिसके इनविटेशन पे आया हूँ, मतलब जो मेरा भतीज है, वो खुद तो स्वयं तो गाँव में जाके बैठा है, देना गया या कुछ ऐसा कुछ गाँव है, नाम है, वहाँ चला गया था कल। वो लेट आएगा थोड़ा। तो अभी मैं हूँ, मामोसा है, मामोसा भी नहाने के लिए गए हैं। ठीक है, लक्षिता आज स्कूल नहीं गई आज, वो बोलते मैं अभी शोरूम का ओपनिंग है, वहाँ जाऊँगी। लक्षिता लक्षिता होगी, लक्षिता मामीसा ने बुलाया, डांटा लक्षिता को कि मोड़ो भी गयो, मतलब मारवाड़ी में मोड़ा हो गया है थोड़ा। कोई नहीं, अभी मामोसा नहा के आते, फिर मैं भी नहाता हूँ और फिर हम पहुँच। तो फाइनली तो मैं अभी आपको बोल रहा था कि हम लेट, हम थोड़ा जल्दी उठे हैं, लेकिन हमारे से ज्यादा तो फुर्तीली यहाँ पे मामीसा है। देखो मामीसा जो है एक्चुअली में वो रात को सोए भी नहीं, वो रात ही जो गमे थे और अभी हमारे को बोले फटाफट नाओ, आज हमारा मुहूर्त है, बोले 2 साल पूरे हो चुके हैं। मामोसा जो है आज मामीसा की खुल के तारीफ कर रहे हैं। मामीसा तैयार हुए आज एकदम, जो जी ज्वेलर्स को 2 साल पूरे हो चुके हैं। ये बोले इनका एक्सप्रेशन देखो मामोसा और मामीसा का। मामोसा क्या कहना चाहोगे आप? सो फाइनली गाइस, मैं तैयार हो चुका हूँ। आज मैंने फिर से पहना नया वाला टी शर्ट, जो कि मैंने जस्ट 2 डेज पहले शॉपिंग किया था। इस बार शॉपिंग कुछ ज़्यादा हुई, उसके लिए क्षमा चाहता हूँ। और यहाँ पे घरों में आज भी आपको पीछे फ्रेम में मास्क टंगे हुए नजर आएंगे। राजस्थान में आज भी मास्क का चलन है। कोरोना को गए वाले की 2-2.5 साल हो गए, लेकिन कुछ कुछ घरों में, कुछ कुछ जगह पे मैंने पहने भी देखा है कि रात को हम जब गए थे मार्केट में, तो कई सारे लोग आज भी अवेयर करते हैं, करना भी चाहिए वैसे, ठीक है ना। तो चलिए, आज है हमारे जीजी ज्वेलर्स का 2 इयर्स कंप्लीट। मैं तैयार हो चुका हूँ, बस भतीज का इंतजार कर रहा हूँ, भतीज जल्दी आ जाए तो उसके। सो फाइनली गाइस, मैं यहाँ पे रेडी हो चुका हूँ और यहाँ पे जो है आज नाश्ते में हम करने वाले हैं, जोधपुर के अंदर जो है नाश्ता है, ब्रेकफास्ट, वो है हमारे लिए मैगी, माई फेवरेट मैगी। तो यहाँ पे मैगी बन चुकी है, मैगी के साथ में जो है बीकानेरी भुजिया है। तो कॉम्बो देखिए, जोधपुरी मैगी विथ बीकानेरी भुजिया। दोस्तों लेट्स गो, नो स्टार्ट। मैं पहले नाश्ता करता हूँ, नाश्ता करने के बाद जो है आखिरी पास्ता करता हूँ। मैंने मैगी को जैसे ही हाथ लगाया तो पीछे से आवाज है, रुको। जैसे कि रावण की लंका दहन हो रही होती है, पीछे से राम जी आते हैं, बोले रुको, अभी तुम्हारा अंत नहीं हुआ है, अभी थोड़ा समय बाकी है। वैसे ना बोले जीतू भैया अकेले अकेले नाश्ता, जीतू भैया, जीतू चाचा नाश्ता आते ले ले, कैसे कर रहे हो? और बना इसलिए, ये क्या एक्चुअली में बना के दुकान चली गई थी और मेरे पेट में चूहे दौड़ रहे थे, मुझसे इंतजार नहीं हो रहा था। मैंने मामी साहब को बोला, लक्षिता ने बनाई कोई बात नहीं, उसको पता नहीं चलेगा, आप मैगी ला के दो, मैं फटाफट खा के दुकान पे निकल लेता हूँ। और मैंने बस पहला चम्मच से आपको वीडियो बताया और खाने वाला था कि सीधा आगे। तो आज यहाँ पे हमारी मेहमानबाजी कुछ इस तरह से हो रही है भाई साहब, चांदी के कप में चाय पिलाई जा रही है। मामी साहब की आवाज पीछे से इसलिए लेकर आई हूँ मैडम, 16 साल पुराने का। तो ये दहेज में मिला था आपको? ये मम्मी साहब को जो है दहेज में मिला था मतलब। तो देखिए, दहेज के कप से और वो भी चांदी के कप से, मतलब हो गया ना सोने पे सुहागा मुझे। सो फाइनली गाइस, कुछ सामान रह गया था तो मामोसा और अंकल खरीदारी करके आए थे, आज मुहूर्त है तो कुछ चीजें रह गई थी जो हम लेने के लिए जा रहे हैं। मेरे साथ में हमारे राजस्थान जोधपुर के मित्र है जो इसको बाइक चला रहे हैं, आप देख पा। चलिए, अभी जो सामान बाकी रहा वो सामान लेके। अभी हम पहुंच चुके हैं यहाँ की एक स्वीट्स की दुकान है जोधपुर की, जहाँ से हम पैकिंग करवा रहे हैं। यहाँ पे 1 किलो चिप्स वेफर, जो कि आज उपवास के अंदर जितने भी मेहमान आएंगे उनके काम लगेंगे, बरोबर ना। और जो उपवास है उनके लिए चिप्स ले रहे हैं, जिनका उपवास नहीं रहेगा उनके लिए क्या ले रहे हैं? उनके लिए मिर्ची बड़े, तो उनके लिए मिर्ची बड़े लेंगे। हालांकि मैंने उपवास नहीं रखा है तो मेरे को तो मजा आने वाला है जोधपुर का मिर्ची बड़ा। यहाँ पे देखिए कचौरी वगैरह है। यहाँ पे भैया एक मिल गए हमारे को, मारवाड़ी भैया, क्या नाम है आपका? प्रकाश सिंह विराजपुर। ओहो प्रकाश जी, आपके यहाँ पे स्पेशल वेरायटी क्या है? सजार के मिर्ची बड़े, आलू पापड़ी, पेपर्स, बिल्कुल, और रसमलाई है, बिल्कुल बिल्कुल, और मलाई बर्फी है। मिर्ची बड़ा जोधपुर का काफी फेमस सुना है ऐसा, मतलब रियल में। तो क्या रेट चलता है अभी मिर्ची बड़े का वगैरह? मिर्ची बड़े के साथ 24 रुपए है। 24 रुपए चलते हैं, बिल्कुल। क्या क्या आप उसमें इंग्रेडिएंट्स डालते हैं? अनार के दाने, पुदीना है और मसाला, बिल्कुल बिल्कुल। और ये लोकेशन क्या पड़ेगा आपका?
ये कसरा स्वीट कॉर्नर आशापूर्णा सिटी के पास पालीको बोरा नोडा रोड। बिल्कुल, मैं आपको वैरायटीज दिखा देता हूँ एक बार। काफ़ी शानदार, लास्ट टाइम भी हमने यहाँ से शॉपिंग की थी, आपको पता हो तो, जब हम बनारस जा रहे थे तब। आप जोधपुर आए और यहाँ का मिर्ची बड़ा ना खाए तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता। और यहाँ पे फिलहाल जो है समोसे बन रहे हैं ना भैया। मिर्ची बड़े में कितनी देर है? 10-15 मिनट लगेंगे ना। तो पहले जो है भैया यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि समोसे जो है यहाँ पे तैयार हो रहे हैं कढ़ाई के अंदर। राजस्थान आए और समोसा कचौरी टेस्ट करे ऐसा तो हो ही नहीं सकता। और हम जो है अभी इस वक्त जो शॉप है, ये वाली शॉप जो है, यहाँ से शॉपिंग की है रसराज स्वीट जो है, तो वहाँ से अभी हमने चिप्स वगैरह लिए हैं। समोसे बन रहे हैं भैया, बोल रहे हैं समोसे बन रहे हैं घर में, फेमस समोसे यहाँ के। बिल्कुल बिल्कुल, तो हम थोड़ा सा वेट करेंगे। मैं जो थोड़ा सा वेट करने के लिए तैयार हूँ क्योंकि जोधपुर आए और मिर्ची पीड़े का हम इंतजार ना करें ऐसा हो ही नहीं सकता। तो चलिए भैया को बनाने देते हैं समोसे और तब तो हम थोड़ा वेट करते हैं। मिर्ची पीड़े बनेंगे तो हम मिर्ची पीड़े ट्राई करेंगे आगे। सो फाइनली हमने जो है यहाँ से शॉपिंग कर लिया है, कुछ हमारे को चिप्स लेनी थी। मिर्ची पीड़े में भी थोड़ा सा समय लगने वाला है तो हमने काम थोड़ी देर में वापस आते हैं क्योंकि हमारे जो सामने वाली गली के अंदर शोरूम है तो वहाँ पे कुछ मेहमान आए हुए जिन्होंने उपवास नहीं रखा है तो उनके लिए चिप्स है प्लेट से ले ली है। ये है रसराज स्वीट्स जोधपुर बोरा नडा पाल रोड। दोस्तों अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आपको हमारे आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन जो है लगातार मिलती रहे। मिलते हैं दोस्तों एक नए वीडियो में नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, हर हर महादेव।